Hello and welcome back, students. As you know, we have not done any lesson in history section. So today we'll start with the lesson 1 of history, class 8. The name is When, Where and How. Kab, kahan aur kaise. So इससे पहले हिस्ट्री हमने नहीं पढ़ी है और तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने के लिए हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइम में. फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. एंशिएंट में हमने पढ़ा अर्ली मैन और वेरियस सिविलाइजेशंस. देन उसके बाद जो है मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, ग्रेट एम्पायर जितने भी थे हमारे, उन सब के बारे में पढ़ा. देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले की जितनी भी हिस्ट्री है वो सब. तो सिक्स क्लास में हमने जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, सेवन्थ में देन उसके बाद हमने जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी. नाउ इन एट्थ क्लास वी विल स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री, इन विच वी विल स्टडी द कोलोनाइजेशन, साइंटिफिक प्रोसेस, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, और किस तरह से चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में, पैटर्न में, हमारी सोसाइटी में, वो सब चीज़ें हम जो है यूजुअली एट्थ क्लास की हिस्ट्री में पढ़ेंगे. तो पहला लेसन है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बॉक्स में क्या दिया गया है. देखिए, इन द प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट मेडिवल पीरियड. इन द सिक्स क्लास सिक्स क्लास में पढ़ा हमने, वी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड टू द सेवन सेंचुरी एडी. टाइम पीरियड दिया गया है प्री हिस्टोरिक से सेवन सेंचुरी एडी तक का टाइम. While in the 7th class we study the history of medieval period, during this period India saw many remarkable changes in the political, economic, social, cultural life of the people. Now in this class, in 8th class mein, we shall study the history of modern India. The modern period began in 18th century and the characterized by industrialization, urbanization, colonization, scientific progress, rationalism and humanism. तो ये सब हम इसे पढ़ेंगे. तो ये आज से हम अपनी लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन व्हेन, व्हाई एंड हाउ. द फ्रेम अंडर द मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का क्या फ्रेम रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं. वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो दैट द टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री इज समवेयर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग वर्ल्ड में जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड के साथ हिस्ट्री को पढ़ा जाता है. इन यूरोप The medieval history is said to have begun in the 6th century and ends in the 15th century. अब यूरोप में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ा जाता है. तो यूरोप में जो है मिडिवल हिस्ट्री वाला टाइम जो है वो 6th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी एडी तक का. वाइल इन इंडिया दिस पीरियड स्टार्ट विद द 8th सेंचुरी एंड एंड्स इन द 18th सेंचुरी. तो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हुआ है, या जो है 6th सेंचुरी एडी में हो गया था, यहाँ पे 8th में है, और थोड़ा सा लंबे टाइम पीरियड के लिए भी रहा है. दैट इज़ इंडिया स्टार्टेड विटनेसिंग रिमार्केबल चेंजेस इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर लाइफ ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी. तो हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिक, सोशली, कल्चरली, हर तरह से. द मॉडर्न पीरियड एक्सटेंड रफली फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी इन कंटेम्प्रेरी टाइम, दैट इज़ द टाइम कवर्स अबाउट 250 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द टाइम फ्रेम अंडर हिस्ट्री इज ऑल्सो चेंज विद द विद द फोकस ऑफ स्टडी. टाइम पीरियड कैसे चेंज होता है फोकस ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग, कि हमने जो है पढ़ना क्या है, कंटेंट हमारा क्या होना चाहिए. इफ आवर फोकस स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट्स बिकम इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश हिस्टोरियन फोकस्ड ऑन द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल इन इंडिया, देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अब देखिए डेट का अगर हम देखना, डेट के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या फोकस करते हैं कि उनके गवर्नर जनरल इंडिया में कौन कौन थे, कौन कौन से गवर्नर जनरल रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट कराई इंडिया में, क्या उनकी अचीवमेंट रही है, तो ये सब वो पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में. द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस एंड द कंडीशन ऑफ आवर सोसाइटी, इंडियंस की एक्टिविटी एंड कंडीशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, किस तरह की कंडीशन थी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. सो वी नीडेड अनदर फॉर्मेट फॉर द स्टडी ऑफ आवर हिस्ट्री.
So European have different format to study the Indian history, and we need different format to study the history of our country. So अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट भी कहेंगे, यूरोप एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट है, उसकी कंट्रीज़ है, वहाँ के हिस्टोरियन अलग वे में स्टडी करते हैं, हमारे हिस्टोरियन जो है एशियन हिस्टोरियन या इंडियन हिस्टोरियन अलग वे में स्टडी करते हैं, क्योंकि दोनों टाइम अलग है, दोनों ही उनका मेथड्स अलग है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, तो इसी वजह से जो है फॉर्मेट भी अलग होना चाहिए. इन द 19th सेंचुरी द मैनी ब्रिटिश हिस्टोरियंस लाइक जेम्स मिल हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. सो हेयर इज़ द फर्स्ट हिस्टोरियन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जेम्स मिल. इन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो द क्वेश्चन राइजेज अगेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रोट बाय हुम, या हम पूछ सकते हैं हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. सो जेम्स मिल विल बी द आंसर. इन 18th सेंचुरी ईयर भी पूछा जा सकता है, वर वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडियन कल्चर. तो ये बुक जो थी किस चीज़ के बारे में थी, एक क्रिटिकल एनालिसिस था इंडियन कल्चर के लिए, यानी कि क्रिटिकल यानी कि उसकी नकारात्मक, उसकी जो इंडियन कल्चर है उसको नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया इन्होंने अपनी बुक में, क्रिटिकल एग्जामिनिंग किया. किसी के भी हम आलोचनात्मक अध्ययन इसको हम बोलते हैं हिंदी में, कि किसी की आलोचना करते हुए हम जो इसकी स्टडी करते हैं. जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पोलिटिकल फिलोसफर. कौन थे ये? स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री जो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स किस तरह से रन करती है, व्हाट इज़ द कैपिटल मनी बैंकिंग सिस्टम बार्टर सिस्टम मनी फ्लो, ये सारी चीज़ें करेंसी, ये चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इनकम नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, हाउ इकोनॉमिक ग्रोज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करेंसी, व्हाट इज़ द करेंसी वैल्यू, इन्फ्लेशन महंगाई, ये सारी चीज़ें हम जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जेम्स मिल, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑल्सो, पॉलिटिकल राजनीति से संबंधित गहरा ज्ञान रखने वाले फिलोसोफर होते हैं, जो जिनको बहुत डीप नॉलेज होती है किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना या कंसेप्ट के बारे में. सो ही डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू दीज थ्री पीरियड्स. अब इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया. फर्स्ट वॉज हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, दीज थ्री पार्ट्स आर हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, थ्री पार्ट्स में इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया. हिज डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजन्स ऑफ द रूलर्स. अब ये किस तरह का क्लासिफिकेशन है और किस बेसिस पे है इसकी अगर बात करें, तो इनका डिवीजन था वो टोटली बेस्ड था हमारा रिलीजन पर, कि किन किस रिलीजन के रूलर्स ने इंडिया पे रूल किया और उनका क्या टाइम पीरियड रहा, तो इसी के हिसाब से हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो पहले हिंदू राजा थे, उन्होंने हमारे कंट्री में राज किया, उसके बाद मुगल्स आए, मुगल ने किया, देन लेटर ऑन ब्रिटिशर्स. अब ब्रिटिशर्स से पहले भी डच वगैरह आ गए थे हमारी कंट्री में, डच पुर्तगीज़ ये सब आ गए थे हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स से पहले. तो इन्होंने जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. एंड अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, सो हु डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आंसर विल बी जेम्स मिल. हु वॉज जेम्स मिल? जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर. ही रोट अ बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1870. सो दीज आर द ब्रीफिंग ऑफ द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. अभी तक जितना हमने डिस्कस कर दिया उसकी ब्रीफिंग है. तो इस तरह से आप एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को समझते हुए नोट्स बनाएंगे. हिस्ट्री सभी को बोरिंग लगती है. क्यों बोरिंग लगती है? बिकॉज वी डू नॉट रिलेट, हिस्ट्री को रिलेट नहीं करते हैं हम. अब हिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो बेस्ट वे है पढ़ना और पढ़ाने का स्टोरी टेलिंग मेथड. तो स्टोरी की तरह अगर हम हिस्ट्री में इंटरेस्ट बनाएंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा इंटरेस्ट, और हमारा इंटरेस्ट हमारे माइंड से स्टार्ट होता है. दिस इज़ द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच आई एम टेलिंग यू. जब तक हम खुद मन में नहीं सोचेंगे हमारा इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में नहीं होगा. तो आपको जो भी बच्चे जीएस पढ़ते हैं, आपको टेंथ में भी पढ़नी ही पड़ेगी अभी, तो उसके बाद का आपका डिसाइड हो जाएगा. लेकिन मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि बेटा पढ़ा है, पढ़ना अगर है तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ें. ओके, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें इंटरेस्ट ना आए, अगर आप विलिंगली उसको पढ़ेंगे तो. तो हिस्ट्री सभी को लगता है कि सिर्फ एक टाइम पीरियड है, ईयर याद करने पड़ते हैं, डेट्स याद करनी है. सो हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट डेट्स ओनली. हिस्ट्री हमें सिखाती है कि किस तरह से हमारी प्रीवियस सिविलाइजेशन थी, हमारी पहले की लाइफ कैसी थी, अब की क्या है, पहले क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं, हमारे वे ऑफ लाइफ को चेंज करती है, इम्प्रूव करती है. हिस्ट्री एक टीचर भी है हमारे लिए, हमें सिखाती है. और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री
पहले जो हुआ है उसके बारे में एट प्रेजेंट में हमें जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की एक चांस भी देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस तरह से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पॉइंट्स में लिखेंगे, फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और एक विजुअलाइजेशन करेंगे माइंड में कि इस तरह से हुआ था, तो डेफिनेटली आप जो है हिस्ट्री में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और आपको लर्न भी रहेंगी चीज़ें। अब देखिए, जेम्स मिल एडवोकेटेड दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन द यूरोप। जेम्स मिल का मानना था कि जितनी भी एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में जितने समुदाय हैं, समाज हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन सभ्यता हैं, वो सारी इंफीरियर हैं किसके कंपैरिजन में, यूरोप के कंपैरिजन, लोअर लेवल की, उनका लेवल इतना हाई नहीं है। ही सेड दैट ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स, हिंदू मुस्लिम के टाइम में जो है, अ सोशल लाइफ इन इंडिया वॉज डोमिनेट बाई द कास्ट टैबूज। तो इंडियन मुस्लिम के टाइम में जो है, इंडियन और हिंदू और मुस्लिम जो रूलर्स थे उनके टाइम में क्या था, सोशल लाइफ इंडिया में डोमिनेट करती थी, यानी वर्चस्व होता था किस चीज़ का, कास्ट टैबूज का, कास्टिज्म। तो प्रीवियस एंशियंट टाइम की बात करें तब से ही चलता आ रहा है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट के बेसिस पे डिवीजन हुआ हमारा, और कास्ट का डिवीजन किस पर बेस था, वर्क के बेस पर था। तो टैबूज ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें करनी मना होती हैं सबके लिए, उन्हीं को ही टैबूज कहा जाता है। तो कास्ट के हिसाब से ही हमने हर एक चीज़ को बांट दिया, हमारा वर्क डिवीजन हो गया कि इस कास्ट के लोग पर्टिकुलर यही काम करेंगे, बाकी दूसरे कास्ट के लोग नहीं करेंगे, मुस्लिम हिंदू कौन पूजा करेगा कौन नहीं करेगा, मुस्लिम्स को जो है मस्जिदों में पूजा करनी है, हिंदुओं को जो है मस्जिदों में नहीं जाना है, या सेम इसी तरह से इस्लामिक एजुकेशन वाले, इस्लामिक रिलीजन के लोगों का मानना है कि अगर वो किसी दूसरे रिलीजन के वर्शिप प्लेस पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चर्च, टेम्पल, मोनेस्ट्री, कहीं भी जाएंगे तो उनका रिलीजन उन्हें जो है ये परमिशन नहीं देता, उनका रिलीजन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी थिंकिंग थी कि जो भी किसी अदर रिलीजन के वर्शिप प्लेसेस को या रिलीजियस सेक्रेट प्लेस पे जाता है तो वो अपने रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आज भी है इस्लाम में। तो ये इस तरह के टैबूज हुआ करते थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस इंटॉलरेंस दैट मीन्स कि धर्म के आधार पे चीज़ों को टॉलरेट ना कर पाना, सहन ना कर पाना। वही एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, हर एक धर्म के, रिलीजन के अपने वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, अपने बिलीव्स हैं, विश्वास हैं, कोई किसी चीज़ पे बिलीव करता है, कोई किसी पे नहीं करता है, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास है ना। हिंदुइज्म के लोग जो हैं मानते हैं कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वही क्रॉस नहीं करना है हमें, जबकि अदर रिलीजन में ऐसा नहीं होता, इस्लाम में नहीं होता ऐसा कुछ भी जहाँ तक मुझे नॉलेज है। इसी तरह से अलग अलग रिलीजन है तो उनके सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस भी अलग अलग हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह करने का तरीका, सब कुछ, ये सब चीज़ें सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। हर एक रिलीजन का अपना प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नॉट अ सिंगल रिलीजन इज परफेक्ट ना। इट वॉज द ब्रिटिश हु कुड सिविलाइज इंडिया। तो इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स ही हैं जो इंडियंस को सिविलाइज कर सकते हैं, सभ्य बना सकते हैं। ही थॉट दैट इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना इंडिया जो है, इंडियन लोग जो हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। सो ही सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्वर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। तो इनका मानना था कि ब्रिटिश को जो, ब्रिटिश लोगों को जो है पूरे इंडिया के पार्ट्स में कॉन्क्वर करना चाहिए, हक जमा लेना चाहिए या अधिकार जमा लेना चाहिए। बट जेम्स डिवीजन वॉज फुल ऑफ ड्रॉबैक्स बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस रूलर्स। तो इनका जो डिवीज़न था, डिवाइड करने का ड्रॉबैक थे उसमें, उसमें कमियाँ थी। और क्यों कमियाँ थी, क्योंकि वो रिलीजन्स पर बेस्ड था कि रिलीजन किसका है, रूलर का कौन सा है, इस हिसाब से। इट इग्नोर द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन द सोसाइटी, इकोनॉमिक और कल्चर। तो इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हैं, बदलाव जो होते हैं, विकास जो होते हैं, उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। दिस डिवीज़न वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। तो इस डिवीज़न ने क्या किया था, एक रिच डाइवर्सिटी, एक विविधता को, बहुत ही सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो उपमहाद्वीप की जो विविधताएँ हैं, जो खास खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिटी है उनको इन्होंने जो है इग्नोर कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। टुमारो विल स्टार्ट विद दिस लेसन विद अनदर वीडियो। थैंक यू।